नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। भाई, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सोलर पंप कारगर नहीं है, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है वैसे कि सोलर पंप कारगर नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, कि कारगर क्यों नहीं है, कुछ कारगर नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन सा सोलर पंप आपके लिए सही है। अगर आप सोलर से मोटर चलाना चाहते हैं, आप चाहे वो मोनोब्लॉक पंप हो, सबमर्सिबल पंप हो, या फिर कोई भी इंडक्शन मोटर हो, आटा चक्की वगैरह, तो इसमें लगभग सभी हम कवर करेंगे। तो कौन सा सिस्टम एक्चुअल में कामयाब है और कौन सा सिस्टम कामयाब नहीं है, जिस वजह से मेरे पास वो कमेंट आया। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर पंप की। पहले तो मैं ये समझा दूं कि कौन सा सोलर पंप कारगर है, यानी कि कौन सा सोलर पंप आपके लिए सही है। इसको बड़े ध्यान से समझना। जो मोटर आपको आपकी लोकल मार्केट में मिल रही है, अगर आप उसके हिसाब से सोलर प्लांट लगवाते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, मार्केट में आपके पास कौन कौन सी मोटर्स अवेलेबल हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए मोनोब्लॉक पंप का ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें लगभग दोनों मोटर्स कवर हो जाएंगी। तो मोनोब्लॉक पंप की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास, अगर हम बात करें लोकल मार्केट, तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं दो पंप, एक सिंगल फेज, एक थ्री फेज। सिंगल फेज हमारा 220 वोल्ट वाला, एक फेज वाला, और थ्री फेज हमारा 415 वोल्ट थ्री फेज। तो ये दो पंप हमें हमेशा अवेलेबल हैं, कहीं से भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में क्या है, अगर आप इन दोनों को, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे वो थ्री फेस हो, अगर आप इन दोनों में से किसी को इंस्टॉल करवाते हो और उसके हिसाब से सोलर प्लांट लगवाते हो। भाई मान लीजिए आपने 1 HP का सोलर पंप लगाया, या 1.5 HP लगाया, या 2 HP लगाया सिंगल फेस का, तो उसके हिसाब से आपने सोलर प्लांट लगवा रखा है। अब वो मोटर आपकी मार्केट में मिल रही है, आपने लोकल से ही परचेज किया है, मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी बहुत से ब्रांड्स हैं जो मोटर्स को बना रहे हैं, किसी भी आपने XYZ ब्रांड की ले रखी है, वही मोटर आपने लोकल मार्केट से ले ली, उसके हिसाब से आपने सोलर प्लांट लगवा लिया, और उसके हिसाब से ही आपने VFD कंट्रोलर भी लगा लिया, तो वो हो गई आपकी एक बढ़िया सिमेट्री हो गई। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, अब बात करते हैं उसमें प्रॉब्लम की। अब वो आपने इंस्टॉल करवा लिया, अब उसमें अगर प्रॉब्लम आती है, अब अगर कोई मोटर है, मोटर आपने ली है, मोटर की वारंटी आपको मिलेगी 1 साल की। उसके बाद अगर हम सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल की वारंटी भी आपको उसमें लगभग 25 ईयर्स की मिलेगी। अगर हम VFD कंट्रोलर की बात करें, तो VFD कंट्रोलर की भी उसमें आपको वारंटी मिलेगी ऑलमोस्ट 1 ईयर की। ये हो गया जो आपने लोकल से ही लगवाया है, चाहे आपने इधर उधर से परचेज किया है, लेकिन मोटर आपने लोकल से परचेज किया, बाकी चीज़ आप चाहे इधर उधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर आपने लोकल से परचेज कर ली, उसके हिसाब से आपने सोलर पैनल लगवा लिया। अब एक बार इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्लांट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि जो डीलर है एक्चुअल में, जो सोलर का काम कर रहा है एक्चुअल में, उसको भी नहीं पता कि इस मोटर के लिए कितना सोलर प्लांट लगेगा, कि ये सिंगल फेस की मोटर है, ये कितने पैनल से चलेगी, कौन सा इसमें VFD लगेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इसमें ये है, अगर उसको पता है तो ये बिल्कुल सही है और ये आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कामयाब है। अब ये तो हो गया सिंगल फेस के बारे में। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें थ्री फेस वाले के बारे में, अब थ्री फेस वाला भी लगभग सेम सा ही सेगमेंट है, कि कोई भी मोटर है, वो आपने 5 HP है, 10 HP आपने थ्री फेस की ली। इसमें एक बात और सिंगल फेस वाली रहती है, अगर सिंगल फेस 2 HP से ज़्यादा है, उसके लिए VFD कंट्रोलर मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ कामयाब नहीं होगा। कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मेरी 5 HP सिंगल फेज है, उसके लिए कोई VFD कंट्रोलर नहीं है मार्केट में जो सोलर से उस मोटर को चला दे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थ्री फेज पे। थ्री फेज में आपकी 5 HP, 10 HP, 15 HP या 3 HP की भी मोटर है, तो वो भी मोटर आपको करना क्या है, अपने लोकल से भी मोटर लो, लोकल से आपने मोटर परचेज कर लिया, आपने 10 HP की मान लीजिए मोटर ले ली, 10 HP की मोटर के हिसाब से आप सोलर प्लांट लगवाएं। वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पर, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि 10 HP के लिए कितना सोलर प्लांट लगेगा एक्चुअल में। तो वहां पे आपने 10 HP के हिसाब से सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लिया, उसी के हिसाब से आपने VFD कंट्रोलर भी लगा लिया। अब सोलर प्लांट आपका हो गया, वही सोलर प्लांट की वारंटी 25 साल की मिलनी है, VFD कंट्रोलर की आपको 1 साल की मिलनी है, और 1 साल की आपको मोटर कोई भी मिलेगी। अब वो सिमिट्री अगर आपकी सही बैठती है, अब वो चाहे आप हमारे चैनल से पता करो या लोकल में कोई डीलर है उससे पता करो, अब वो सिमिट्री अगर आपकी सही बैठती है तो भी वो सोलर प्लांट कामयाब रहेगा सोलर पंप के केस में। तो ये तो हो गया कामयाब होने का एक रीज़न।
अब इसमें मैं दूसरी बात करता हूँ, इसके नाकामयाब होने के रीज़न क्या है, नाकामयाब भी हुआ है, क्यों हुआ है, उस पर हम अब आते हैं। पहली तो बात है, इसमें जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं है। लोगों के माइंड में क्या है कि 2 HP की मोटर चल रही है, 6 पैनल लगे हैं, अगर हम मार्केट से मोटर ले लें वही 6 पैनल पर चल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोकल से मोटर ले लो और उन 6 पैनल से चला लो, क्योंकि जो 6 पैनल पर मोटर लगी है वो DC मोटर है। अब DC मोटर आपको लोकल में कहीं नहीं मिलेगी, और मैं खुद भी एडवाइस नहीं करता आप DC मोटर की तरफ जाओ, क्योंकि DC मोटर पे जाओगे उसकी रिपेयरिंग आपको नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम इसमें एक यहाँ है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगे हैं उनमें लोगों को ये नहीं पता एक्चुअल में इस पर कौन सी मोटर लगी। कई जगह तो DC मोटर लगी है 2 HP पे, 3 HP पे, 5 HP पे, कई जगह ऐसा है कि मोटर AC ही लगी है। 3 HP की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये केस आता है 3 HP वाले में, मोटर AC ही लगी है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो सिंगल फेस की है, या फिर उसको लोग सोच लेते हैं कि वो 9 पैनल से चल रही है, वो 3 फेस की है। एक्चुअल में से वो दोनों इनमें से कोई भी नहीं है, वो मोटर एक्चुअल में 220 वोल्ट 3 फेस की है। तो यहाँ लोग इसमें प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, या लोगों को नहीं समझ आ रहा। अब मैंने ये बार बार बहुत सी वीडियो में बताया है, तो इसलिए वो कामयाब नहीं है। कामयाब इसीलिए नहीं है कि आपने 9 पैनल लगा रखे हैं, 9 पैनल पे आप सोच रहे हो कि मैं सिंगल फेस 3 HP चला लूं, या फिर आप सोच रहे हो ये 3 फेस की लगी हुई है जो गवर्नमेंट वाली है इस पे मैं 3 फेस वाली चला लूं। तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ भी आ रही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। नाकामयाब होने के मैं इस समय रीज़न बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया 3 HP तक का केस, सिंगल फेस तक का केस। अब अगर DC मोटर है तो वो तो हो ही नहीं रही सोल्व, भाई DC मोटर लगी है, आपने AC ठाके लगा दी, वो चलेगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब इसमें एक केस और उलझा रहता है 7.5 HP का, ये भी थोड़ा समझने वाला है। 7.5 HP के केस में क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो मोटर है 380 वोल्ट की, वो चलती है 20 पैनल से, और लोग सोचते हैं भाई हमने तो 7.5 HP का प्रोजेक्ट लगवाया है, 20 पैनल लगे हुए हैं, इससे हम अपनी मोटर चला लें जो लोकल में मिल रही है 7.5 की, वो नहीं चलेगी। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट आपके कामयाब नहीं है। को या डीलर को ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में कौन सी मोटर है, इससे कौन सी मोटर हम चला सकते हैं, या इस मोटर के लिए कितना सोलर पैनल लगेगा, कौन सा VFD कंट्रोलर लगेगा। मैं इसको अगर एक सार में बताऊं तो एक्चुअल में इसका रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज, कि लोगों को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत सी जगह नाकामयाब है। लेकिन कामयाब कहाँ है, जहाँ आपको नॉलेज है, आपको पता है कैसे क्या होगा, वहाँ कामयाब है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब इसी चीज़ को हमने सक्सेस करने के लिए हमने 2 कोर्स लॉन्च किए हैं अभी। एक है हमारा सोलर पंप कोर्स। सोलर पंप कोर्स में आप जानोगे कोई भी मोटर हो, चाहे वो इंडक्शन मोटर है आपकी, मोनोब्लॉक पंप है आपका, समर्सिबल पंप है, उसके लिए एक्चुअल में कितना सोलर प्लांट लगेगा, कौन सा VFD लगेगा, ये सारा आपको कवर होगा सोलर पंप कोर्स। उसके साथ ही साथ हमने दूसरा इसमें लॉन्च किया है VFD कंट्रोलर कोर्स। VFD कंट्रोलर कोर्स में हमने आधार लिया है CG के जो VFD कंट्रोलर है, जो हमारा क्रोम्पटन ग्रेविस का VFD कंट्रोलर है, इसको हमने उसमें आधार लिया है, इसको बेस लिया है कि इसकी जो भी सेटिंग्स है, अब चाहे वो आपकी मोटर्स के रिगार्डिंग हो सेटिंग्स, आप भाई सोलर से मोटर को कैसे चला सकते हैं, उसकी स्पीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपके पास 3 फेस का VFD है उससे आप सिंगल फेस आउटपुट कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने उस कोर्स में डाल रखी हैं, तो वो भी आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।